Indian wrestling rising star and national champion Sonam Malik defeated Olympic bronze medalist Sakshi Malik again. She has now booked a berth in the Asian Olympic qualifying event and the Asian Championships to be held in Almaty, Kazakhstan in mid-April. This is the fourth time the Sonipat girl has beaten Sakshi Malik. Sonam defeated Sakshi 8-6 in the Trials for the Women's 62kg weight category held in Lucknow. Sonam had beaten Sakshi in the final to win the national title in Nagra on 30th January. पहले जैसे साक्षी दी तो हमारे रोल मॉडल ही हैं क्योंकि उन्होंने ओलंपिक से मेडल लेके आए पहले मेरी बाउट साक्षी दी के साथ हुई तो बोले कि ओलंपिक क्वालिफाई के लिए ट्रायल्स हैं और मैंने साक्षी दी को अच्छे मतलब बाउट लड़ा तो कोच सर ने बोला कि तेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो अपना हंड्रेड परसेंट देना तो उसके बाद बाउट हुई फिर मैं एशिया क्वालिफाई एशिया के लिए गई तो वहाँ पे मेरी ट्रायल मैं वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाया तो फिर से ट्रायल हुई मेरी चार बार साक्षी दी के साथ ट्रायल हो चुके हैं तो अब की बात तो ऐसा था कि मन में ये था कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई के लिए जाना है क्योंकि बीच में कोरोना भी आ गया था उसे लॉकडाउन हो गया था हाँ उसके लिए तो हम कर रहे हैं साक्षी दी के साथ उसी के वजह से तो हमारी हुई वरना अभी तो हम जूनियर के सीनियर में नहीं जा पाते थे कि अपना हंड्रेड परसेंट देना जितनी प्रैक्टिस की है उतना करना है और अच्छी बाउट होगी ये लॉकडाउन में मैं क्वालिफाई के लिए मेरी छब्बीस तारीख को मैं जा, हम जाने थे और बाईस तारीख को लॉकडाउन हो गया तो एक बार तो बहुत दुख हुआ कि हम उसके क्वालिफाई के लिए जाने हैं फिर ये था कि आगे बाउट होंगे तो अच्छा करेंगे